भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मोहाली में शुरू होने जा रहा है। यह विराट कोहली का सवा टेस्ट है। ऐसे में जरूरी होता है कि मोहाली में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड को जानना। भारत ने मोहाली में अब तक 13 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 7 जीते हैं और 1 गवाया है। वहीं 5 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों की नजरें इस टेस्ट मैच को जीतने पर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से ऐतिहासिक भी है। भारत के नजरिए से देखें तो ये विराट कोहली का 100वां टेस्ट होने के अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला जा रहा पहला टेस्ट भी है। तो वही श्रीलंका के नजरिए से ये उनका 300वां टेस्ट मैच है। इस बीच टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रहाणे और पुजारा की जगह हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर को मौका मिला है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट केजे सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी केजे जी, देखिए भारत श्रीलंका के बीच मोहाली में आज टेस्ट मैच होने वाला है और आज से रोहित की कप्तानी की शुरुआत होगी और विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। क्या कुछ अभी अपडेट? देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है आज विराट कोहली के लिए। देखा जाए 100वां टेस्ट मैच है, यानी कि भारत की तरफ से अभी तक देखा जाए 12वां ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 100वां टेस्ट खेले। और लास्ट जो मैंने देखा था, अभी जो लास्ट 100 टेस्ट खेले थे वो ईशांत शर्मा जो दिल्ली का है मीडियम पेसर, उसने खेले थे। सबसे पहले देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर ने 200 मैच खेल चुके हैं टेस्ट मैच, राहुल द्रविड़ उसके बाद है जो 164 है, जो भी देखे कोच है उनके, और वीवीएस लक्ष्मण जो 134 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, और कुंबले उसके बाद 132 पे, कपिल देव जो 131 का रिकॉर्ड था वो कितना देखो पीछे चले गया आज की तारीख में। और जहां तक देखा जाए तो मैं बिल्कुल विराट कोहली को देखना चाहूंगा कि आज वो 100वें टेस्ट में अपना शतक भी पूरा करे, क्योंकि 2019 के बाद से जो टेस्ट मैच का जो शतक है वो सूखा हुआ है उनके लिए, और 27 टेस्ट अभी तक खेल चुके 2019 के बाद, वो शतक नहीं लगा पाए। देखिए तो कहीं ना कहीं उनके भी जहन में होगा, हालांकि मोहाली का विकेट बहुत अच्छा विकेट होता है, फास्ट विकेट होता है, उनकी एवरेज भी बहुत अच्छी है वहां पे, और रन बने हैं उनके करीब करीब 199 रन बना चुके हैं वहां पे अभी तक जितने टेस्ट मैच खेले, और एवरेज भी 50-60 के ऊपर है एवरेज। कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की उपलब्धि तो बहुत अच्छी है, होने वाली है, और सारे क्रिकेटर्स फेटर्निटी जितनी भी है और मैं भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस मैच के खेलने के लिए। और जहां तक टेस्ट मैच का सवाल है, देखिए टेस्ट जो टॉस जीतेगा वो मैं समझता हूँ बल्लेबाजी पहले करेगा, क्योंकि बल्लेबाजी करने में टेस्ट मैच में एक अलग से प्रेशर होता है। आप एक बड़ा अच्छा स्कोर खड़ा करें और अपने इनिंग्स को बिल्ड करके सामने वाले को एक दबाव में ला के बैटिंग करवाएं तो मैं चाहता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, देखिए बॉलिंग में वही आपके पास वापस बॉलर आ चुके हैं जो कि मेन बॉलर है, सिराज है, शामी है और बुमराह आपका मीडियम पेस डालने वाले हैं। और जहां तक उम्मीद है अश्विन और जाडेजा दोनों खेलने वाले हैं, अश्विन की उम्मीद है पूरा पूरा खेलने की, क्योंकि लंका का अगेंस्ट का बहुत अच्छा एवरेज है और लगभग 9 मैच में वो 50 विकेट ले चुके लंका के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं आज उनको तरजीह दी जाएगी। और श्रेयस का और विराट कोहली और रोहित हो गए और शुभमन गिल खेलेंगे आज, मुझे लगता है ओपन करेंगे और या तो 3 नंबर पे भेजेंगे उनको। हनुमा का आज वापस खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज देखा जाए। जी केजी जी, देखिए अगर बात करें रोहित शर्मा की तो पिछले मैचों में उनकी कप्तानी में लगातार भारत जीतता रहा है, तो आज के मैच को लेकर के क्या, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही होंगे टीम में? बिल्कुल दोनों ही होने वाले हैं टीम में। और जहां तक जीतने का सवाल है, देखिए वनडे और ओडीआई में जो T20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, यहाँ पे क्या होता है विकेट पे रुकना पड़ता है, आपको रन बनाने पड़ता है। जो अगर सेशन अच्छा निकालेंगे, जो टीम अगर 2-2 घंटे का सेशन अच्छा निकाल के बिना विकेट को रन में ज्यादा बना देगी तो वो उनके लिए वो बहुत फायदे वाले होती है। यहाँ पे देखना होगा कि हमारे जो बैट्समैन है मयंक, शुभमन, रोहित, विराट, श्रेयस, पंत, जडेजा, 7 नंबर तक आपको आज बहुत अच्छी बैटिंग है, उसके बाद अश्विन आने वाले हैं। मैं समझता हूँ विकेट पे रुकना बहुत जरूरी है और उनके जो बॉलर्स को जो जिस ढंग से खेलेंगे तो विकेट देखिए अगर आप बैटिंग पहले करेंगे तो उनको फायदा भी देगा ये डेट घंटा जो है, क्योंकि यहाँ का नॉर्थ का जो माहौल होता है, एटमोसफियर होता है, बहुत ही एक तरह से नमी वाला माहौल होता है, बॉल तेज निकलती है, मोहाली का विकेट भी फास्ट है, तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होने वाला है एक घंटे का अगर वो बॉलिंग करते हैं तो यहाँ पे देखना होगा हमको पहले 2 सेशन में, पहले खासकर 1 घंटे का सेशन में हमको बिना विकेट खोए जितने भी रन बने वो ठीक है, विकेट भी गिरना चाहिए हमारा। जी चलिए शुक्रिया केजे जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच मैच शुरू होने वाला है और भारत ने टॉस जीत लिया है और